चलो अब हम आंख की रोशनी बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे पैदा ही हो रहे हैं आंख की रोशनी, कमजोर आंख की रोशनी से, कई तो आंख के चश्मा लगा करके पैदा हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? माता पिता की गड़बड़ी, असावधानी। तो गर्भावस्था के समय में ही बच्चों की आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए एक तो हमने बताया था ए बी सी ट्रिपल टी जी जूस जरूर दिया करो। ए फॉर आंवला बताया है, बी फॉर बीटरूट लिखा है कि नहीं लिखा है आप लोगों ने? उसकी मात्रा भी बता दी है। इसी प्रकार से मान लो जब गाजर का मौसम नहीं होता है, आंवला का और बीटरूट का मौसम नहीं होता है, तो दूसरे प्रकार का रस दीजिए जिसमें लौकी, खीरा, ककड़ी, ये क्या है? समर सीजन्स रेजुएलस आपके रिफ्रेशिंग ग्रीन कॉकटेल जूस, ग्रीन वेजिटेबल कॉकटेल जूस। तो ये ग्रीन वेजिटेबल कॉकटेल जूस जो है उसमें क्या होगा? लौकी 100 ग्राम, खीरा 100 ग्राम, ककड़ी 100 ग्राम, पालक 150 ग्राम, धनिया का पत्ता 15 ग्राम, पुदीने का पत्ता 15 ग्राम। तो ये सारी मिला करके और उसमें टमाटर भी डाल दो स्वादिष्ट बनाने के लिए। ये हो गया और इसको जूसर में डाल दो, ये ग्रीन कॉकटेल जूस मिल जाएगा। ये बेमौसम में जो ना क्या नाम समर सीजन से, और विंटर सीजन मिक्स्ड वेजिटेबल रेड कॉकटेल जूस, उसमें हमने बताया था। और ये दोनों ही आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले होते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और मान लो कुछ नहीं मिलता है तो मूली का पत्ता है, बहुत अच्छा रहता है आंखों की रोशनी के लिए। सलगम का पत्ता है, बहुत अच्छा रहता है। इन सब में क्या होता है, ये जो ना इसमें बीटा कैरोटीन काफी मात्रा में होता है, अल्फा कैरोटीन होता है, जो आंखों की रोशनी बन जाता है। केल, विदेशों में केल मिलता है, बहुत उपयोगी होता है, उसमें बीटा क्रिप्टोजेंथिन होता है। तो इसमें कैरोटीनॉइड ग्रुप के जो सदस्य हैं, करीब 6 सदस्य होते हैं, उसमें से कई सदस्य इन सारे, और इसी से हमारी आंखों की रोशनी बनती है। क्योंकि आंखों की रोशनी के लिए, हमारी आंखों की रोशनी दो प्रकार के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्न सेल्स एंड ड्राइड सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्न सेल्स वह रोशनी में देखने का काम करता है, और रेड सेल्स किस में देखने का काम करता है? अंधेरे में, मंद रोशनी में। कॉर्न सेल्स सेल्स में 3 सेंसिंग पिगमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन सेंसिंग पिगमेंट, रेड सेंसिंग पिगमेंट। तो ये जो है ना जो हमारे और रेड सेल्स में होता है पर्पल सेंसिंग पिगमेंट। तो ये ब्लू सेंसिंग पिगमेंट, ग्रीन सेंसिंग पिगमेंट एंड रेड सेंसिंग पिगमेंट। तो ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसे जो है ध्यान रखिए। तो इन सारे को, ये सारी चीजें, पिगमेंट का क्या अर्थ होता है, इसको क्या बोलते हैं आपके, यानी पिगमेंट का अर्थ क्या होता है? रंग। तो जितनी भी दुनिया के रंगीन आहार हैं वो सब आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले होते हैं, ये समझ लो। तो रेटिनल पिगमेंट जितने भी हैं उन सब का जो है, लाल रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के,
नीले रंग के, ऑरेंज कलर के, ये सारे के सारे आंखों की रोशनी बन जाते हैं। इसलिए जो ना जितने इस प्रकार की चीजें हैं, तरबूज है, आम है, पपीता है, केला है, ये सब आंख की रोशनी, इतनी सारी परमात्मा ने दिया आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए। इन सब का प्रयोग शुरू से बच्चों को कराओ, गर्भावस्था से स्वयं करो। जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आंख के रोशनी से भरपूर पैदा हो, तो उनको ये कराना चाहिए। और चश्मे लग गए हैं तो फिर कुछ एक्सरसाइज कराया करो, जैसे आंख के एक्सरसाइज आगे पीछे, बिल्कुल फिंगर के टिप्स को देखना है, फिर बाएं दाएं, ये 3 से 5 बार, फिर गोल गोल घुमाएं, और घुमाते समय करते समय ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत छोटी सी बात है, कि जो भी आसन करो, जो भी एक्सरसाइज करो, उसके साथ मुस्कुराहट जरूर जोड़ दो। मुस्कुराते हुए करोगे थकान नहीं होगी, मुस्कुराते हुए करोगे हर आसन का प्रभाव कई कई गुना बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखा करो कि मुस्कुराते हुए करोगे, जो भी आसन करो मुस्कुराते हुए करो।